Very good morning to all the students. Today we will be starting illustration number 1 of conversion of partnership firm into a limited company. Okay, kal humne ek problem is pe conduct kiya tha, introductory level ka ek problem humne is pe solve kiya tha. Okay, aaj hum isi ko continue karenge. So first read down the illustration number 1. Illustration padh lo acche se. तीन पार्टनर्स है पी क्यू आर दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1 दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट देयर फर्म इनटू अ लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी को क्या नाम दिया उन्होंने चैतन्य कंपनी लिमिटेड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ द कन्वर्जन वॉज एज फॉलोस बैलेंस शीट भी दिया है कन्वर्जन के टाइम पे जो पार्टनरशिप फर्म था उसका बैलेंस शीट दिया है देखिए एसेट साइड पे है बिल्डिंग्स प्लांट एंड मशीनरी मोटर का फर्नीचर स्टॉक डेटर्स इन्वेस्टमेंट और कैश एट बैंक लायबिलिटी साइड पर है सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल देखो बिल्स पेएबल का जो बिल्स है वो ऊपर आ गया है ओके तो वो आपको ध्यान देना है बिल्स पेएबल प्रिंटिंग मिस्टेक है जनरल रिजर्व है 6000 की और कैपिटल अकाउंट है ओके और कुछ एडजस्टमेंट दी है यहाँ पे चैतन्य लिमिटेड अग्रीड टू टेक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स कौन से एसेट्स लिए देखो सभी एसेट्स नहीं लिए कौन से एसेट्स लिए बिल्डिंग लिया है प्लांट एंड मशीनरी लिया है फर्नीचर लिया है स्टॉक लिया है गुडविल रेज हुआ है और डेटर्स लिए गए मोटर वैन लिया नहीं गया इन्वेस्टमेंट्स लिए नहीं गए ओके और कैश तो हम लोग वैसे भी लेते ही नहीं कैश तो पार्टनर्स में बांट दी जाती है लायबिलिटीज में जो क्रेडिटर्स थे वो पूरे के पूरे 22,000 में टेक ओवर किए थर्ड एडजस्टमेंट देखो द परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड बाई कंपनी बाई इशू सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एट रुपीज 100 रुपीज के हिसाब से इक्विटी शेयर्स का पेमेंट हुआ है परचेज कंसिडरेशन की तरफ फर्म सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड पेड ऑफ बिल्स पेबल तो जो भी बिल्स पेबल था देखो क्रेडिटर्स लिए थे बिल्स पेबल नहीं लिए थे तो बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया इन्वेस्टमेंट जो थी जो एसेट्स जो थी वो नई फर्म ने नहीं ली थी इन्वेस्टमेंट बेच दी ओके और क्या दिया है मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाय पी देखो मोटर वैन भी नई कंपनी ने नहीं लिया था तो ये मोटर वैन कौन लेके गया मिस्टर पी लेकर गए द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 800 इक्विटी शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर लास्ट कैपिटल प्रोपोर्शन इक्विटी शेयर्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स जो भी इक्विटी शेयर्स मिले थे अब देखो यहाँ पे ध्यान से इक्विटी शेयर्स जो मिले थे दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर कैपिटल प्रोपोर्शन बाकी सब चीजें जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी ओके 2:2:1 लेकिन जो नए कंपनी के शेयर्स मिलेंगे ओके जो नए कंपनी के शेयर्स मिलेंगे जो परचेस कंसिडरेशन जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में वो आपको कैसे करना है वो आपको करना है कि पार्टनर्स के कैपिटल प्रोपोर्शन में ओके तो ये ध्यान रखना है ये पॉइंट ओके तो ये सब पॉइंट्स थे नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ सम आई होप सभी ने फॉर्मेट बना लिया होगा और मैंने कल भी कहा था कि अब आपको इस तरीके के फॉर्मेट रेडी कर देने हैं अगर फॉर्मेट नहीं बनाया तो जल्दी से अभी भी आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ जल्दी से एक फॉर्मेट बना लीजिए सबसे पहले आपको क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन का बनाना है बड़ा सा फॉर्मेट बनाइए 10-15 पेज लाइन्स का होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन उसके बाद 10-15 लाइन्स का रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए परचेस कंसिडरेशन 10-15 लाइन्स रियलाइजेशन अकाउंट 10-15 लाइन्स परचेसिंग कंपनी अकाउंट 5-6 लाइन का बनाओ शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी ये भी 5-6 लाइन्स का बनाओ और कैश अकाउंट लगभग 10 लाइन का ओके ये सभी अकाउंट्स बनाने के बाद आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें आपको तीनों पार्टनर्स लिखने हैं पी क्यू एंड आर और ये भी 5-6 लाइन्स का आपका होना चाहिए ओके जल्दी से फॉर्मेट बनाओ फॉर्मेट हो जाए तो मुझे बताओ
ओके, सो आई होप फॉर्मेट हो चुका होगा सबका, जिनका नहीं हुआ है उन्होंने जल्दी से, जैसे जैसे अब हम लोग सम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे कंप्लीट करना है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ विद दी कैलकुलेशंस. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है हमको, कि परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दी परचेस कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कंसिडरेशन. कौन से एसेट्स लिए गए, ये सब कोई भी चीज नहीं देखनी, डायरेक्टली आपको कंपनी जो है वो कौन से एसेट्स लेकर जा रही है उनका अमाउंट लिखते जाना है. ओके, तो स्टार्टिंग कैसे करोगे, सबसे पहले कौन सा एसेट लिया जा रहा है, बिल्डिंग लिया जा रहा है 32,000 में, तो राइट डाउन बिल्डिंग फॉर 32,000. इसके बाद अगला देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 16,500, तो राइट डाउन प्लांट एंड मशीनरी कितने में लिया हुआ है, 16,500, तो 16,500. ओके, नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर कितना है, 2,000 रुपीज में लिया है, तो राइट डाउन फर्नीचर 2,000 रुपीज. आफ्टर दैट स्टॉक 4,700, तो लिखिए स्टॉक 4,700. देन सन्ड्री डेटर्स 26,000. अब इस पे सॉरी ये नहीं लेना, सॉरी मेरा फर्नीचर तक ठीक था, स्टॉक 7,800. आई एम लुकिंग एट बैलेंस शीट वैल्यूज, बैलेंस शीट वैल्यूज नहीं देखनी, 7,800 है स्टॉक. गुडविल 4,000. ओके, गुडविल गुडविल कितना है, 4,000. सेम जैसे हम लोग अमालगमेशन में करते थे वैसा ही है, कुछ ज्यादा अलग नहीं है, गुडविल हो गया. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स सब्जेक्ट टू 5% आरडीडी, मतलब सन्ड्री डेटर्स में से 5% कम कर देना है, 26,000 में से 5% कम करो, कितना बचता है बताओ मुझे, 26,000 का 5% कितना होता है, 1,300, 5% के हिसाब से कैलकुलेट होता है, 26,000 में से उसको माइनस करोगे तो 24,700, करेक्ट है, 24,700. ओके, अब सन्ड्री डेटर्स हो गया, अब आई थिंक एसेट साइड पूरी हो गई है, मतलब यहाँ पे एसेट्स बाकी है, लेकिन जो एसेट्स कंपनी लेके जा रही है वो एसेट्स पूरी हमने कंसिडर कर लिए, तो इसका टोटल ले लो, जस्ट टेक द टोटल ऑफ दिस साइड, कितना आता है देखो, +32,000 +16,500 +2,000 +7,800 +4,000 +24,700, कितना आता है, 87,000. ओके, अब यहाँ पे हम लोग लेस लायबिलिटीज, ओके लायबिलिटीज लिखेंगे, लायबिलिटीज में जो कंपनी है वो कौन सी लायबिलिटी लेके जा रही है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी लेके जा रही है, कौन सी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने रुपए में लेके जा रहे हैं, 22,000 में, तो लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 लेस कर दो, तो परचेस कंसिडरेशन कितना आता है आपका, How much? देखो 87,000 में से 22,000 लेस करो, 65,000. करेक्ट, 65,000. ओके, परचेस कंसिडरेशन आता है आपका 65,000. ओके, अब क्या करना है कि ठीक है ये परचेस कंसिडरेशन तो होगा, 65,000 रुपए परचेस कंसिडरेशन के कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म को देने वाली, कैसे देगी, वॉट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, ओके व्हाट विल बी द मोड ऑफ पेमेंट, कैसे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है परचेस कंसिडरेशन वॉज पेड बाय कंपनी बाय इश्यू ऑफ सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच.
ओके, 100 रुपए के शेयर के हिसाब से पेमेंट हुआ है, मतलब अभी आपको देखिए 65,000 रुपीज का पेमेंट करना है, मतलब 65,000 रुपीज के शेयर दिए आपने, एक शेयर का वैल्यू कितना था 100 रुपया, मतलब कितने शेयर्स मिले आपको 650 शेयर्स मिले कंपनी के, ओके आपको 650 शेयर्स मिले 100 रुपए के हिसाब से। तो मोड ऑफ पेमेंट में जस्ट लिखना ही है, 65,000 बराबर है लेकिन एक प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट लिखना है, 650 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, इस तरीके से आपको पैसा मिला है, 650 शेयर्स मिले, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100, इस तरीके से आपको 65,000 रुपया जो है वो मोड ऑफ पेमेंट में शेयर्स के टाइप पे मिला। कैश में कुछ मिला है क्या? नहीं, यहाँ पे सिर्फ शेयर्स मिला है। देखो यहाँ पे दिखा है, कल जो हमने सम किया था उसमें कैश और शेयर्स दोनों थे, ओके तो हर एक सम में अलग अलग कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगी, वो आपको ध्यान से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ये परचेस कंसिडरेशन तो कैलकुलेट हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना शुरू करो। ओके तो रियलाइजेशन अकाउंट में पहले तो डेबिट साइड पे जब सभी एसेट्स लिख देनी है, क्रेडिट साइड पे सभी लायबिलिटीज लिख देनी है, उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारा ये जो क्वेश्चन में आपको जो बैलेंस शीट दिया है, लायबिलिटीज और एसेट साइड दिया है, उस पे आइए। एसेट साइड से शुरुआत कीजिए, बिल्डिंग है 30,000, तो लिखिए बिल्डिंग। अभी जो ओरिजिनल बैलेंस शीट की वैल्यूज है ना वही लिखनी है, बिल्डिंग 30,000, प्लांट एंड मशीनरी 18,000, तो प्लांट एंड मशीनरी 18,000। नेक्स्ट मोटर वैन 12,000, तो लिखिए मोटर वैन 12,000। जितने एसेट है वैसे के वैसे पूरा के पूरा लिख देना है, ओके उसके बाद सॉल्विंग का देखेंगे। फर्नीचर है 2,500, लिखिए फर्नीचर 2,500। स्टॉक 4,700, तो स्टॉक 4,700, ओके। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 26,000, तो लिखिए सन्ड्री डेटर्स 26,000। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट्स 6,000, तो इन्वेस्टमेंट्स 6,000, ओके। नेक्स्ट आता है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखते, और मैंने कल ही आपको कहा था कि अभी जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे वो पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना है, अकाउंट्स बना लेना है, उसके बाद सिर्फ एंट्रीज पुट अप करना है। अभी कैश एट बैंक कहाँ पे आएगा? आपके कैश अकाउंट जो रहेगा ना वहां पे आपको ये 7,300 लिखना है। तो कैश अकाउंट हमने बनाया है नीचे कहीं पे, तो भी यहाँ पे तो लिख देना है कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7,300, ओके 7,300 कहाँ पे लिखा है मैंने? कैश अकाउंट में बैलेंस लिखा है, रियलाइजेशन में नहीं लिखना है। कैश अकाउंट जो हमने बनाया है वहां पे आपको ये बैलेंस लिख देना है, ओके अब ठीक है, ये पूरी एसेट साइड हो गई, कोई भी चीज हमने छोड़ी नहीं यहाँ से। अभी लायबिलिटी साइड पे आ जाओ, लायबिलिटी साइड पे क्या लिखा है? सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000 रुपीज, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे बाय या सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,000, तो 24,000 लिख दीजिए। उसके बाद बिल्स पेएबल आते हैं आपके 1,500 रुपीज के, तो बिल्स पेएबल 1,500। नेक्स्ट आता है आपके जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये लायबिलिटीज नहीं है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जाने वाले अमाउंट है दोनों, पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस भी और जनरल रिजर्व भी, ओके तो ये आपको क्या करना है? ये आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ओके दोनों ही चीजों को। तो आपने जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है उसमें आप क्रेडिट साइड पे लिखिए पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओके मतलब कैपिटल का बैलेंस, फिर रिजर्व लिखेंगे, पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का बैलेंस क्या है? पी का है 30,000, क्यू का 28,000, आर का 17,000, तो 30,000, 28,000 एंड 17,000, ये क्या लिखा मैंने? कैपिटल बैलेंसेस 30, 28, 17। नेक्स्ट अभी क्या बचा है? देखो लायबिलिटी साइड पे सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कैपिटल बचा है 6,000 रुपए का, तो ये भी लिख दो।
कहाँ पे लिखोगे? पार्टनर्स के कैपिटल साइड पे, क्रेडिट साइड पे लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल के बाय रिजर्व्स, ओके बाय रिजर्व्स या जनरल रिजर्व भी आप लिख सकते हो। 6000 रुपए के जनरल रिजर्व है, देखो 6000 रुपीज, सब में कितना दिया है 6000 रुपीज के रिजर्व है। इसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, इनका जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, तो 2:2:1 में ही ये अमाउंट आपको बांटनी है। तो 6000 को 2:2:1, 2+2+1 कितना आता है 5, तो 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना आता है 2400, तो रेशियो कैसा आएगा 2400, इसका भी 2:2 मतलब इसका भी 2400 और इसका आएगा 1200। रिजर्व्स का बैलेंस हमने 6000 रुपए का 2400 और 1200 इस तरीके से डिवाइड किया। ओके, इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक बार रिजर्व वापस। ओके, रिजर्व कितना था अपना? देखो 6000 रुपीज का रिजर्व था, ओके और सब में क्या दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का 2:2:1, 2+2+1 कितना होता है 5, ओके तो 6000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 2400, तो इसके लिए पी के लिए 2400 लिखा, क्यू के लिए भी 2 ही रेशियो है मतलब 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 अगेन क्यू के लिए भी 2400 आएगा और आर के लिए 1 का रेशियो है 1, 2:2:1, 1 तो 6000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 1200, ओके ओके सर ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि जो सम में जो वैल्यूज दी थी वो अलग अलग अकाउंट्स में लिख दी है, ओके अभी तक हमने सम सॉल्व करना शुरू नहीं किया, अब यहां से हम लोग सम के जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं वो लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, तो परचेस कंसिडरेशन जो मिला है ना आपको 65000 रुपए वो लिख दो, ओके वो लिख दो। वो क्या कैसे लिखेंगे आप? तो आप लिखेंगे परचेसिंग कंपनी अकाउंट कितना 65000, परचेसिंग कंपनी अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड या आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो पीसी रिसीव्ड, ओके तो परचेस कंसिडरेशन कितना है 65000। नेक्स्ट है, देखिए अभी कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज जो है वो कंपनीज ने टेक ओवर नहीं किए, वो पार्टनर्स के पास ही रहेगी, तो वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 3 से वो शुरुआत होता है। फर्म ने क्या किया, पहले इन्वेस्टमेंट्स बेच दी 8000 रुपए में, ओके 8000 रुपए में इन्वेस्टमेंट बेची। अब ये सब चीजें रियलाइजेशन अकाउंट की, ओके रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है अपने को। इन्वेस्टमेंट ओरिजिनली हमने उसका बैलेंस कहा लिखा है डेबिट साइड पे 6000 रुपए। अब ये इन्वेस्टमेंट अगर बेच रहे हो आप तो आपके पास क्या आने वाला है, कैश आने वाला है, तो आप लिखोगे बाय कैश इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड, ओके कितने में बेची हमने इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने में बेची 8000 रुपीज में बेची, तो अमाउंट में आप लिखोगे 8000। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे दोगे, कौन बता पाएगा मुझे सेकंड इफेक्ट कहां पे दोगे इसका? कैश, करेक्ट, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखोगे इसको सेकंड इफेक्ट, तो जो हमारा कैश अकाउंट है उसके डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखो इन्वेस्टमेंट सोल्ड और अमाउंट में लिखो 8000 रुपीज, समझा? हर एक एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट आपको हाथ के साथ जो है वो लिख देने हैं ताकि आपका सम जो है वो गलत ना हो कभी भी, ओके ये एडजस्टमेंट समझा सभी को। अब नेक्स्ट देखो, पेड ऑफ बिल्स पेएबल फुल्ली, जो भी बिल्स पेएबल थे वो पूरे के पूरे पे कर दिए, ठीक है। अब देखो बिल्स पेएबल कितने थे, 1500 रुपए के बिल्स पेएबल थे, तो ये अभी कैश पे किया है तो डेबिट होगा इसको टू कैश। और यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बिल्स पेड
ओके बिल्स पेड कितने 1500। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पे होगा? अगेन कैश अकाउंट में, कैश करेक्ट, अगेन कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन। बिल्स पेड 1500, ओके ये हो गया। देखो सेकंड इफेक्ट, दोनों इफेक्ट एक साथ पास कर देना है ताकि आपका सम जो है वो कभी भी गलत नहीं होगा। एक साथ हर एक एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट हाथ के साथ आपको पास ऑन करने। इन्वेस्टमेंट्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। अब यहाँ पे मोटर वैन जो है वो बेची नहीं है, क्या किया है, मिस्टर पी लेकर गए। तो मोटर वैन कहाँ पे थी? ओरिजिनली यहाँ पे थी 12,000 की, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय पीस कैपिटल, ओके मोटर वैन बाय पीस कैपिटल मोटर वैन 12,000, बाय पीस कैपिटल मोटर वैन 12,000। अच्छा अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे करोगे? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेक्ट करेक्ट बिल्कुल करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। टू रियलाइजेशन मोटर कार या मोटर वैन जो भी है, ओके कितना है पी के पास लिखना है, सभी जगह पे नहीं लिखना, सिर्फ पी के पास जितना लिखना है 12,000 रुपीज, ओके सिर्फ पी के पास 12,000 लिखना है, बाकी कहीं पे भी कुछ भी लिखना नहीं है, ओके अब ये भी हो गया। अब अगला सम, अगला एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है। The firm paid realization expenses 800. Realization expenses कितना पे किया फर्म ने? 800 रुपया, ओके तो ये एक आखिरी एडजस्टमेंट बचा है, realization expenses मतलब खर्चा है, मतलब डेबिट होगा टू कैश, ओके realization expenses टू कैश realization expenses कितना पे किया है? 800 रुपीज, 800 रुपया, तो लिख दो 800, ओके 800 लिख दिया। अब सेकंड इफेक्ट, अगेन कैश अकाउंट को क्रेडिट साइड पे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800, ओके डन। अब देखो ध्यान से, सभी एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे, एक दो तीन एडजस्टमेंट हो गया, चौथा एडजस्टमेंट होगा, पांचवा एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी सिर्फ क्या करना है बेटा, फटाफट हमको बुक्स क्लोज करनी है और बैलेंसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने है और कैश अकाउंट टैली करना है। तो फटाफट बैलेंसेस निकालते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल देखो कितनी आ रही है, 1,10,500, ओके लेट मी राइट इट डाउन, 110,500, ठीक है। डेबिट साइड का देख लो टोटल कितना आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है? सर 1,08,000, 1,08,000 बरबर नहीं बेटा, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, 1,08,000 नहीं आ रहा, 1,01,500 आ रहा है। तुमने स्टॉक का 4,000 गिना होगा, देखो स्टॉक को 4,700 की जगह पे आपने स्टॉक को 4,000 गिना होगा बेटा, तो कुछ तो भी इशू है। देखो 1,01,500 आ रहा है क्या सभी का? देखो तो यस सर, 1,01,500 आएगा। तो ये कहीं पे लिख लो ये फिगर 101,500। अब ये तो छोटा अमाउंट है ना, इससे तो प्रॉफिट निकलेगा, कितना प्रॉफिट निकलेगा 110,500, कितना प्रॉफिट निकलता है 9,000 रुपीज का जो है वो प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड माइनस किया था, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 9,000 रुपीज, और इसका टोटल एक बार मैं यहाँ पे मेरे लेवल पे ले लेता हूँ, बराबर है या नहीं देख लेते हैं, करेक्ट है, ओके। अभी ये जो 9,000 रुपए है ये आपको पी क्यू और आर में डिवाइड कर देने हैं, ओके पी का जो शेयर है वो है 2, क्यू का जो शेयर है वो भी है 2,
और आर का जो शेयर है वो है 1. तो 9000 को आप मुझे डिवाइड करके अमाउंट बताओ कितने आते हैं 2:2:1 रेशियो में. पी के लिए कितना आता है? 3600 या 3600 हम लोग कह सकते हैं उसको, 3600. ओके. आर क्यू के लिए कितना आ रहा है? सेम अमाउंट आएगा. सेम. और आर के लिए 1800 करेक्ट है. टोटल देख लो बराबर 9000 आएगा इसका टोटल. ओके. अब हाथ के साथ ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा, तो इसका एडजस्टमेंट हाथ के साथ इसका सेकंड इफेक्ट कर दो. सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे. ठीक है. तो बाय रियलाइजेशन ओके 3600 1800. डन. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट हो गया बंद, आपका क्लोज हो गया. ओके. रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो गया. अब क्या बचता है? परचेसिंग कंपनी. देखो यहाँ पे हमारा परचेसिंग कंपनी का और शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी बाकी है. तो ये हमने लिखा था ना परचेसिंग कंपनी 65000 रुपए रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे. इसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं किया रहा. इसका सेकेंड इफेक्ट कैसे पास करेंगे? तो जो परचेसिंग कंपनी होगा उसके डेबिट साइड पे लिखना है टू रियलाइजेशन और यहाँ पे लिखना है परचेस कंसिडरेशन. कितना आता है? 65000. Okay, कितना आ रहा है? 65000. अब कुछ नहीं बचा ज्यादा, फटाफट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है. ये रियलाइजेशन है. अब इसको परचेसिंग कंपनी को क्लोज करो बाय. अच्छा, परचेसिंग कंपनी ने ये जो 65000 रुपए है रियलाइजेशन के, ये कैसे दिए है? मोड ऑफ पेमेंट क्या है हमारा? शेयर्स का पेमेंट है. 65000 शेयर्स में दिए, कैश में कुछ दिया नहीं है. तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो बाय शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो टाइम बचाने के लिए ये अकाउंट ही नहीं बनाते. डायरेक्ट शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी को अमाउंट डेबिट क्रेडिट जो करना होता है वो करते हैं. लेकिन अगर आप अकाउंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मेट के हिसाब से नहीं जाते तो आपका मार्क्स कट होता है. ओके. तो ये अकाउंट आपको बनाना ही है. ओके. शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी को ये अमाउंट हमने ट्रांसफर किया और ये जो सम है अपना ये क्लोज हुआ यहाँ पे 65000 रुपए. ये अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया. अभी ये जो पैसा है ये शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी अकाउंट के डेबिट पे दिखेगा टू परचेसिंग कंपनी 65000. और अभी ये जो शेयर्स है ये आपको पी फिर सेकंड पार्टनर कौन सा है क्यू और आर में डिवाइड करने हैं. ओके. डिवाइड करने हैं लेकिन ध्यान रखो कैसे करने हैं. 2:2:1 रेशियो में डिवाइड नहीं करने. अगर सब में कुछ नहीं दिया होता था तो हम 2:2:1 में डिवाइड करते थे. लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसली सम में दिया हुआ है कि जो भी डिवीजन करना है ये 65000 रुपए का परचेस कंसिडरेशन का जो भी डिवीजन करना है वो कैसे डिवाइड करना है. इट शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन देयर लास्ट कैपिटल प्रोपोर्शन. लास्ट कैपिटल प्रोपोर्शन मतलब 30:28:17. ये जो कैपिटल प्रोपोर्शन है ना इस प्रोपोर्शन में ही आपको डिवीजन करना है. समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर. ओके. मतलब 30+28+17 आता है 75. 75 को बेस करके 65000 रुपए को आपको डिवाइड करना है. ओके. कैसे करना है तो देखते हैं. एक मिनट, जस्ट लेट मी ओपन. 65000 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आता है? 26. 30 कहां से आया? अब ये मत पूछना 30 कहां से आया. ये 30 28 और 17 ऐसे वैल्यूज लेंगे हम. ओके. 30 28 17 30+28+17 75 आता है. ओके. तो पी के हिस्से में कितना आ रहा है? 26000 आ रहा है. तो राइट डाउन 26000 फॉर पी. ओके. सेम तरीके से क्यू के लिए भी कैलकुलेट करो. क्यू के लिए आएगा 65000 का परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय क्यू का हिस्सा कितना है? 28 है. तो मल्टीप्लाइड बाय 28 कितना आता है? 24267. ओके. राउंड ऑफ कर देना. 24267.
तो लिख दो 24267। फिगर्स थोड़ी सी ऑड आती है तो डर नहीं जाना, अगर आपका काउंटिंग बराबर है तो सम आपका करेक्ट ही आने वाला है। अगला देखो आर, 65,000 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 17, 14733। ओके, तो 14733 ठीक है। आप इसका टोटल ले लो, देखो राइट है रॉन्ग है हमारा अभी तक ये जो कैलकुलेशन किया है, ये बराबर है क्या, 14733 प्लस 24267 प्लस 26,000, एग्जैक्ट 65,000 आ रहा है। ओके 65,000। ओके यहां तक तो हो चुका। अब ये जो पैसा है, ये जो पैसा है ये आपको ट्रांसफर कर देना है किसको, मम्मी। बेटा म्यूट करो अपने आपको। म्यूट रखा करो अपने आपको। ओके ये पैसा कहाँ पे भेजना है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू कौन सा पैसा ले रहे हैं हम लोग, देखो शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी। ओके तो लिखोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे टू शेयर्स इन परचेसिंग कंपनी, कितना आ रहा है, पी के हिस्से में आ रहा है 26,000। ओके क्यू के हिस्से में कितना आ रहा है, क्यू के हिस्से में आ रहा है 24267 और आर के हिस्से में कितना आ रहा है, देखो आर के हिस्से में आ रहा है 14733। ओके फाइनली अभी आपको क्या करना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देना है। ओके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्लोज करना है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल ले लो फटाफट क्योंकि टाइम कम है अपने पास, जल्दी से क्रेडिट साइड का टोटल ले लो, 30,000 प्लस 2,400 प्लस 3,600, 36,000 आता है ये, 36,000। वैसे ही 28,000, 2,400 और 3,600, 34,000 आता ही है, 34,000 और 17,000 प्लस 1,200 प्लस 1,800 आता है 20,000, तो 20,000। ओके यही अमाउंट्स आपको यहाँ पे भी लिख देनी है। यहाँ पे पूरा के पूरा अमाउंट नहीं लिख पाएंगे हम, जस्ट वेट अ मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बैलेंस निकाला क्या तब तक किसी ने, हेलो बैलेंस निकाला बेटा किसी ने अब तक, देखो अब यहां पे आप देखेंगे जब बैलेंस निकालेंगे ना, पी का बैलेंस क्रेडिट साइड का कम आएगा डेबिट साइड का ज्यादा आएगा, तो पी के लिए हम लोग लिखेंगे बाय कैश 2000 यहां पे लिखेंगे। ओके तब जाके ये, एक मिनट गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तब जाके ये टैली होगा। ओके 38,000 38,000। लेकिन क्यू और आर जो है, क्यू और आर के लिए क्या करना है, तो देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो बाकी का यहाँ पे आएगा टू कैश, बाकी का बैलेंस यहाँ पे आएगा। ओके कितना आएगा जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ मुझे बैलेंस बताओ, क्यू के लिए कितना आएगा, 9733। करेक्ट है 9733। नेक्स्ट देखो बाय
5267 ठीक है। अब ये दोनों अमाउंट जो है ये अलग अलग रिस्पेक्टिव साइड्स पे पुट अप करनी है। कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है P2000, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है 2P2000 और क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय क्यू एंड बाय आर। कितना कितना आया था हमारा क्यू और आर का बैलेंस कितना कितना आया था देखो 9733 और 5267 तो लिख दो 9733 5267। ओके जस्ट टेक द टोटल कितना आ रहा बेटा टोटल जरा फाइनल 17,300 आना चाहिए। सॉरी सर सॉरी 17300 और 17300। ओके देखो सभी का कैश अकाउंट 17,300 पे टैली हो रहा है क्या? यस सर। ओके तो यहाँ पे हमारा सम जो है खत्म होता है।